स्नैपिंग फोन से इंस्पायर होकर इनफिनिक्स भी अपना एक ऐसा ही जबरदस्त फोन लेकर आ रहा है और ये फोन है इनफिनिक्स GT10 Pro। इनफिनिक्स के इस GT10 Pro 5G फोन के अंदर हमें नथिंग फोन की तरह ही पीछे की तरफ ट्रांसपेरेंट बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि आपका कॉल का नोटिफिकेशन आने पर, आपके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आने पर वो LED लाइट जल जाया करेगी। इस फोन को आप 3 अगस्त से प्री बुक ऑर्डर कर सकते हैं और प्री बुक ऑर्डर करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट इस फोन के ऊपर मिल जाए। इनफिनिक्स ने इस फोन को फ्लिपकार्ट पर मेंशन कर दिया है और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी मेंशन कर दिया है। खैर, ये लाइट वगैरह तो हम बाद में भी जलाते रहेंगे, फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस इनफिनिक्स GT10 Pro के थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में। तो इस इनफिनिक्स GT10 Pro 5G फोन के अंदर हमें मिलेगी एक 10-bit की एक AMOLED डिस्प्ले। हाँ, 10-bit वाली हमें एक 6.8 इंच की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो डिस्प्ले तो अच्छी है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हमें MediaTek का Dimensity 8050 का एक 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि एक 6 नैनोमीटर पर बेस रहता है। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब ये प्रोसेसर एक काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है, काफ़ी सारे फ़ोनों के अंदर ये दिया भी जा चुका है, तो वहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस प्रोसेसर ने। और इस फोन का अंतूतु स्कोर इस फोन का है, जो कि कंपनी ने ही बताया है, 7 लाख के आसपास इसका अंतूतु स्कोर निकल कर आया है। कंपनी बता रही है, अब तो सही बता रही होगी, अब वो तो खैर बाद में हम पता कर ही लेंगे। और रूमर्स तो ये भी थी कि इस फोन के अंदर हमें 7000 mAh की बैटरी मिलेगी, मतलब यार 7000 mAh की बैटरी और 260W का चार्जर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर हाँ, ज्यादा ही हो गया, मतलब इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए था कुछ लोगों को, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक्चुअल में 5000 mAh की ही बैटरी मिलेगी और 45W का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये ऑफिशियल 100% कंफर्म न्यूज है। कैमरा जो इस फोन के अंदर हमें मिलेगा वो होगा 108 MP का मेन कैमरा। जी हाँ, 108 MP का मेन कैमरा रहेगा, उसके बाद 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो तीसरा कैमरा रहेगा वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, 2 MP का मैक्रो कैमरा रहेगा, और फ्रंट में रहेगा 32 MP का सेल्फी कैमरा। 99% चांस तो यही है कि 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, लेकिन मुझे 1% चांस ये लग रहा है कि शायद 16 MP का सेल्फी कैमरा कंपनी दे सकती है, लेकिन ये तो 1% चांस है जो कि मुझे लग रहा है, देखते हैं बाकी बाद में हमें मालूम पड़ ही जाएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग 4K के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग बेशक 100% कर पाएंगे। और आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर इस फोन को लेकर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नथिंग ने जो फोन निकाला है ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला जिसके अंदर LED लाइट जल जाती है, उसकी प्राइस तो भाई साहब नथिंग फोन 2 की 50,000 रुपये है। इस फोन की अगर 30,000 से 35,000 रुपये के बीच प्राइस रहती है तो हाँ, ये फोन नथिंग को टक्कर देने लायक जरूर हो जाएगा, और इसी बात को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। बस 3 अगस्त को देखते हैं क्या होता है, प्री ऑर्डर इसके स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है ऊपर भी कुछ देखने को मिल जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा इस फोन के बारे में। तो इसी के साथ आप चलते हैं और मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो के अंदर।